are in favor of the fact that the students of Jharkhand must get their justice. Just because of some flaw in the bill, or just because there is a commission which is corrupt, the justice which the youth of Jharkhand is not getting is very, very regretful. Therefore, we are protesting against the plight of the government. Like, they are not ready and willing to hear to the students nor to the MLAs. This is very, very unfortunate from the side of the government. Therefore, we are always in favor of the right which the students are demanding, and we are in favor of cancelling JPSC and reconducting JPSC in a fair way. Will you allow to continue house today? Unless and until the government is willing to talk, unless and until the government is willing to start a debate on JPSC, unless and until the government is serious about employment, which is a crisis in Jharkhand, unless and those things happen, we won't allow the house to run in a proper way. Yesterday, CM said that for the first time, the local agents are selected for JPSC. That's why some people who are outside are having problems. See, I have given a written notice today in the house stating that the 25% figure which the CM is quoting is a biggest lie from the side of CM, because 60% seats are reserved for the locals, 40% seats are just for the unreserved category. Now in 40% of the unreserved category, if 25% of the outsiders are coming and competing and coming in the merit list, that means that 50% of the seats in unreserved category has gone to the outsiders, which is totally devastating, given the fact that the government is always talking about recruiting the local youths. And now, when you see the unreserved category, 50% of the students are from are outsiders. So this is very unfortunate from the part of the government. House चलाने की जवाबदेही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की है. वो चर्चा कराएं ना जेपीएससी पे, अब विशेष चर्चा कराएं, हाउस चलेगा. लेकिन वो चाहते नहीं है. दरअसल सरकार के इशारे पर जिस तरह से जेपीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी धांधली हुई है, ये बहुत बड़ा अन्याय है. लाखों नौजवान सड़क पर है. अब एक कमरे में 48-49 बच्चे पास हो जाते हैं, बीजेपी विरोध करती है तो फेल करा देते हैं आप. आखिर ये झारखंड की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे में चैन से बैठकर रहेंगे नहीं. और हम बाहर भी विरोध कर रहे हैं, सदन के अंदर भी विरोध कर रहे हैं. सीएम ने परसों कहा है कि पहली बार लोकल लोग जेपीएससी में चुन रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी हो रही है लोगों को. तो आपने फेल क्यों किया? जिनको पास कराया था, हेमंत सोरेन जी जवाब दें, जिनको पास कराया उनको मेरे हम लोगों के मांग पर फेल क्यों किया? सवाल है कि नहीं है. इसलिए वो झारखंड की जनता को बरगलाना बंद करें. झारखंड की जनता सारी चीजों को समझ रही है. कैसे अधिकारी देना चाहते हैं भविष्य में जेपीएससी के माध्यम से? वैसे ही अधिकारी जो फेल कर दिए जा रहे हैं और पैसे लेकर जिनको पास कराया जा रहा है. जेपीएससी है, अनुमुद्दे भी है, तो करना ही है. क्योंकि सरकार जो है वो मदमस्त हाथी की तरह हो गया है, जिसको कोई भी आवाज कान तक पहुंचती नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. जेपीएससी में डेफर्स से गड़बड़ियां सामने आ रही थी और लोगों ने परत दर परत हर अपने आरोप को साबित करके दिखाया है, बताया कि किस तरह से गड़बड़ियां है. वो एमआर सीट आपके गायब हो गए, गायब हुए नहीं, गायब कर दिए गए. क्योंकि गड़बड़ियां पकड़ाने की पूरी चेष्टा और संभावना बन रही है, जब जांच होगा तो वो पकड़े जाएंगे. रूपा तिर्की के मर्डर को भी ये लोगों ने, जो आज इसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, उसको भी डिफेंड करना चाह रहे थे. लेकिन कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि सीबीआई जांच हो रही है और ये सारे लोग सत्ते में है और सभी के गिरेबा तक हाथ जाने वाले हैं. और जेपीएससी के मामले में भी जो भ्रष्टाचार का बीजारोपण करने का इन लोगों ने प्रयास किया था, 100% जानकर के इसकी भी जांच होगी और इसकी जांच की आज सत्ते के गलियारे तक जाएगी. तो कितना भी मामला को डायल्यूट करने का कितना भी प्रयास कर ले, इन मामला डायल्यूट नहीं होने वाला. अल्लाह नहीं कर रहा है, सरकार चाहता
है जवाब दे। आप जवाब नहीं देंगे गोलमोल आगे देखेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप इस तरह के विचार, इस तरह के वक्तव्य दे करके पिछले दिन की कार्रवाई देख लीजिए। स्पीकर सर ने कहा है कि जो सरकार के जवाब आ रहे हैं उसमें सरकार के जवाब को ठीक करिए। जब सदन के अंदर जो जवाब आ रहा है उसका कोई स्तर नहीं है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से खानापूर्ति के लिए किया जा रहा है। इस सरकार को इसी तरह से दबाव बना करके जवाब के लिए बाध्य करना होगा और इसे जवाब लेनी होगी। ABP News आपको रखे आगे।